हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बिशु जॉब सेंटर। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, 1,62,000 वैकेंसी अभी भी खाली है रेलवे, इंडियन रेलवे के अंदर। तो फ्रेंड, यह किस तरह कैटेगरी के नोटिफिकेशन आया है? तो ये जो है ऑफिशियल डाटा जो है आपका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से निकल के आई है, जिसमें बताया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, कितने आदमी कार्यरत है। तो ये ऑफिशियल डाटा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये जो जिसकी बात है फ्रेंड, ये जो है आपका वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी, यानी वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी बोलने का अर्थ है फ्रेंड, जो आपका ये पब्लिक के लिए सेफ्टी का काम करे, सेफ्टी के वर्क करे। तो सेफ्टी 2017 में भी निकल चुका था, इसमें रेल मंत्री ने बताया था कि सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन आता है, सेफ्टी कैटेगरी है क्या। तो सेफ्टी कैटेगरी सिंपली आप बोल सकते हैं जो पैसेंजर के लिए सेफ्टी का काम करे, मतलब सेफ्टी जोन में कौन कौन आता है फ्रेंड। तो सेफ्टी जोन में बात करें फ्रेंड, तो सेफ्टी जोन में आपका स्टेशन मास्टर सेफ्टी जोन में आता है, कंट्रोलर आता है, गार्ड आता है, स्विचमैन आता है, गेटमैन आता है, ठीक है, केबिन आता है, लेबर मैन आता है, पॉइंट मैन आता है, ठीक है, लोको रनिंग, लोको ड्राइवर, लोको पायलट, सब आपका सेफ्टी कैटेगरी, मतलब सेफ्टी कैटेगरी में आता है, ठीक है फ्रेंड। तो बात करें फ्रेंड, ये मतलब वैकेंसी जो है आप ऑफिशियल डाटा में चलते हैं फ्रेंड। तो ऑफिशियल डाटा में क्या बताया गया फ्रेंड, देखिए ये जो है सेक्शनल स्टैंड ऑन रोल वैकेंसी पोजीशन ऑन जोनल रेलवे इन सेफ्टी कैटेगरी एज ऑन 11/6/11/9/2019। तो जोनल रेलवे यानी सेंट्रल, इसका बोलने का अर्थ क्या है फ्रेंड, ये जो है बोलने का अर्थ देखिए, टोटल सेक्शनल स्टैंड यानी बोलने का अर्थ जो टोटल वैकेंसी, सिंपली समझ जाए फ्रेंड, टोटल वैकेंसी कितनी है, कितने आदमी अभी कार्यरत है, कितने आदमी का कार्यरत है, कौन कौन आदमी अभी ज्वाइनिंग फिलहाल में हुई और कितने वैकेंसी खाली है। तो देखिए फ्रेंड, पूरा टोटली वैकेंसी की बात करें तो 14,36,206 आपका वैकेंसी टोटल है, ठीक है, जिसमें से जो वैकेंसी जो भरा हुआ है 11,53,286 जो है भरा हुआ है, जो अभी मतलब कार्यरत है, काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। और जो वैकेंसी की है वो 2,82,920 वैकेंसी खाली है, ठीक है फ्रेंड। जोनली बात चले तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जोनल यानी सेंट्रल लेवल में आपको बताया गया है, सेंट्रल लेवल में 55,077 वैकेंसी खाली है, जिसमें से जो है ऑन रोल यानी कार्यरत है 45,921 और वैकेंसी जो खाली है 9,156, ठीक है। उसी तरह ईस्ट कोस्ट में है इतना वैकेंसी, जिसमें इतना आदमी बड़ा ज्वाइनिंग है, जिसका इतना आदमी का वैकेंसी खाली है। इस तरह फ्रेंड इसमें भी देख लीजिए आप, सेंट्रल ईस्ट कोस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न मेट्रो, ठीक है, इस तरह ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फॉर फ्रंट, ठीक है, इस तरह जो है वैकेंसी सभी के लिए सब जोन का खाली है। जो फ्रेंड टोटल की बात करें तो टोटल में देख लीजिए फ्रेंड, टोटल में जो है 1,32,321, ठीक है। तो आगे जो बताएंगे फ्रेंड इसमें क्या रहा, अराइज ऑफ फिलिंग वैकेंसी कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें जो बताया गया फ्रेंड, मैं टॉपिक जो मेन है वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ, रेलवे इंडियन रेलवे बोर्ड, तो आप जो 1,83,000 जो बताया जा रहा है उसमें क्या आपका NTPC भी आ गया है, प्लस ग्रुप डी का नौकरी भी छूट गया है। तो आप जो बन जाता है कितना वैकेंसी बन जाता है, 1,01.6 लाख बच जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो लास्ट में क्या बताया गया, द इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कमर्शियल इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल इन रिटर्न अप रिप्लाई टू रिक्वेस्ट इन राज्यसभा टुडे, ओके, टुडे यानी बोलने का मतलब 27/9/11, ठीक है, 2019। तो फ्रेंड आपके मन में सवाल होगा कि आपने तो वैकेंसी बता दी कि किस जोन में किस कितनी वैकेंसी खाली है, नहीं है, ऑफिशियल डाटा बता दिए, लेकिन प्रश्न उठता है कि ये वैकेंसी का ऑफिशियल डाटा कब आएगी, ऑफिशियल जो वैकेंसी का न्यूज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड अभी तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी NTPC प्लस ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। तो मेरा अंदाज से इसका जो आपका
नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका 2020 के मतलब एंड तक इसका नोटिफिकेशन आपका आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होने से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।